गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम फ्रॉम अयोध्या। आज हम लोग का अयोध्या धाम पे दूसरा दिन है और अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करेंगे, पूजा देंगे। रिक्शा मिल गया, अभी हम लोग जाएंगे एकदम सामने ही जहाँ पे कल हम लोग गए थे लास्ट दिन। वहाँ से जाएंगे हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी में पूजा देंगे। और रिक्शा कितना लेंगे भैया? 10 रुपया, 10 रुपया लेते हैं रिक्शा भाड़ा। हम लोग का होम स्टे से वो चौक का नाम क्या है? रास्ता पूरा बंद है ना, पूरा सील्ड है रास्ता। टेहरी बाजार जाएंगे, टेहरी बाजार से हम लोग थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे है इस्कॉन का ग्रुप आया था हम लोग का, उनके साथ हम लोग सब उनके साथ नाचा गाना किया। हरे कृष्ण हरे राम। यहाँ पे आज दर्शनार्थी जो है बहुत ही भीड़ है, ज़्यादा बहुत ही भीड़ ज़्यादा है। और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पे मन पूरा शांति हो गया यहाँ पे आके। अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, वहाँ पे देख सकते हो इतना भीड़ जमा हुआ है रामलला को दर्शन के लिए। जय श्री राम बोलिया, जय श्री राम। भीड़ ज्यादा है लाखों के ऊपर। यहाँ पे दर्शनार्थी जो है सब एकत्रित हुआ है यहाँ पे रामलला को दर्शन करने के लिए। कल हम लोग जब गया था वहाँ पे भीड़ था पर उतना नहीं था। आज जो भीड़ है वो समुन्द्र की तरह भीड़ है। सब बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। भीड़ ज्यादा है, देखिए यहाँ पे इतना भीड़ पड़ा हुआ है। जय श्री राम, हनुमानगढ़ी के सामने हम लोग पहुंच गए। ये है हनुमानगढ़ी का गेट और अभी हम लोग जाएंगे मंदिर की तरफ। यहाँ पे भी भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, सब हनुमान जी के दर्शन के लिए आए हैं और हम लोग भी आए हैं राज। तो भीड़ इतना ज़्यादा है कि लाखों के ऊपर शायद भीड़ चला गया, आप देख सक रहे, हम देख सक रहे इतना भीड़। रास्ता जो है यहाँ पे, जो रास्ता है सब पूरा नो एंट्री है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी तीर्थ यात्री है सब भीड़ किया है रामलला को दर्शन करने के लिए और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। सब हम बोलते हैं जय श्री राम, जय बजरंग बली जी महाराज की जय। पीछे जो है ये पूरा हनुमानगढ़ी जाने के लिए लाइन दिया हुआ है। और पीछे जो चूड़ा हम देख रहे हैं वो चूड़ा है हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पे जाना होगा। और यहाँ पे देखिए जो भीड़ है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। सब आए हैं यहाँ पे। बहुत देर लाइन देने का बाद दर्शन करके पूजा करके हम लोग का पूजा हो गया, दर्शन करके हम लोग अभी जाएंगे हम लोग सरयू नदी के घाट पर, और कुछ ब्रेकफास्ट करके हम लोग सरयू नदी के घाट जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सिटी टूर करेंगे। और आज का जो भीड़ है इज जस्ट अनइमेजिनेबल भीड़ है। पीछे से देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे, इतना भीड़, मतलब आदमी का पूरा जय श्री राम, जय श्री राम, समुंदर आ रहा है, एक ही नारा एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही राम, इतना भीड़ है जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय।
कैसे लगा चाचा? कहाँ से? ठीक लगा। अच्छा लगा दर्शन करके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसा लगा? अभी हम लोग लंच के लिए आए हैं। हनुमान गढ़ी जो है वो गेट का ठीक ऑपोजिट में एक होटल है, तो यहाँ पे 150 रुपया करके ये थाली है, अनलिमिटेड पूरा वेज खाना है। यहाँ पे नॉन वेज नहीं चलता, अयोध्या में नॉन वेज नहीं चलता। तो यहाँ पे जो है राइस दिया है, तंदूरी रोटी दिया है, अचार दिया है, गोभी का सब्जी दिया है, दाल दिया है, आलू का सब्जी दिया है। यहाँ पे अनलिमिटेड खाना मिलता है 150 रुपया में, बहुत ही सस्ता है और बहुत ही भीड़ रहता है दुकान में। देख सकते हो छोटा दुकान है पर बहुत ही भीड़ है, खाने भी लाइन लगा हुआ, ऊपर में भी जगह है खाने का। तो हम लोग अभी खा रहे हैं, खा के हम लोग अभी जाएंगे सरयू नदी के किनारे। आज यहाँ पे इतना भीड़ जमा हुआ है जितना भी तीर्थ यात्री है। हम लोग हनुमानगढ़ी दर्शन करके करीबन 3 घंटा हो गया था हम लोग को लाइन देते हुए। फिर हम लोग जाके दर्शन किया हनुमान जी का, फिर हम लोग और सरयू नदी जा नहीं सके क्योंकि वहाँ से और 1-2 किलोमीटर था, पैदल जाना पड़ता था। पैदल जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि इतना भीड़ है, इतना भीड़ मतलब इतना भीड़, कई लाखों के ऊपर आए हैं दर्शन करने के लिए। और हम लोग का टाइम भी हो चुका था क्योंकि हम लोग को आज वापस जाना था ट्रेन से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग अपना होटल जाएंगे, अपना सामान कलेक्ट करके हम लोग चले जाएंगे स्टेशन। और कभी नेक्स्ट टाइम राम जी के कृपा से ज़रूर आएंगे राम लला जी का दर्शन करते हुए और अयोध्या धाम फिर आएंगे। और पीछे ही हम देख रहे हैं राम लला की मंदिर। और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे होटल क्योंकि इतना भीड़ है, इतना भीड़ है। यहाँ पे आप भीड़ देख सक रहे हैं, यहाँ पे लाखों के ऊपर भीड़ है, लाखों के ऊपर आदमी है, सब जमा हुआ यहाँ पे राम जी का दर्शन करते हुए आए सब। और अभी हम लोग और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभी सरयू नदी जा नहीं सका तो कोई बात नहीं है। हम लोग का मेन मोटिव था राम जी का दर्शन करने के लिए, तो हम लोग वो कर लिया है। तो हम लोग का मेरा कोई रिग्रेट है नहीं कि सरयू नदी जा नहीं सका क्योंकि इतना भीड़ है, आते जाते मिनिमम 4-5 घंटा लग जाएगा। तो अभी उतना टाइम है नहीं, तो इसीलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। अभी शाम होने ही वाला है और हम लोग अपना जो होम स्टे है वहाँ पे वापस आ गया है क्योंकि हम लोग को अपना सामान जो है वो कलेक्ट करके स्टेशन तक जाना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग का जो होम स्टे है उनका जो टेरेस है, टेरेस व्यू इज वेरी ब्यूटीफुल। और अभी हम पीछे देख रहे हैं सनसेट हो रहा है एंड आई होप ये जो व्यू है और जो लुक्स है बहुत ही सुंदर लग रहा है। और पीछे जो है सामने यहाँ से दूर मतलब आई कैन सी बट कैमरा में उतना शायद दिखाई नहीं देगा, राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, राम मंदिर का जो चूड़ा है वो दिखाई दे रहा है यहाँ से। और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेके कुछ देर बाद स्टेशन की तरफ जाएंगे क्योंकि हम लोग का जो ट्रेन है 8:55 PM अयोध्या पहुँचेगा और शायद ट्रेन लेट भी हो सकता है, बट हम लोग अपना टाइम से ही जाएंगे। ये है जो हम लोग का टेरेस है होम स्टे का, ये व्यू इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। और सामने ही हाईवे है, हाईवे के उस तरफ रेलवे स्टेशन भी है, मतलब यहाँ से जब ट्रेन जाता है तो उस ट्रेन दिखाई देता है। और वो जो है शॉप सामने, वो शॉप जो है वो है बाबा सेल्स, यही मेन स्टॉपेज है बाबा ऑटो सेल्स, यही मेन स्टॉपेज है। यहाँ से उतर के ये जो लेन है वहाँ से आना पड़ता है हम लोग का होम स्टे जो है प्रकाश होम स्टे। Thank you.
होम स्टे से निकल के हम लोग अभी स्टेशन की ओर जा रहे हैं अयोध्या धाम, क्योंकि हम लोग का ट्रेन जो है और एक डेढ़ घंटा बाद हम लोग का ट्रेन छोड़ेगा अयोध्या धाम से। तो अभी वी आर ऑन द वे टू अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। अभी हम लोग पहुंच गए अयोध्या स्टेशन, अयोध्या धाम स्टेशन। और रात में जो स्टेशन का जो एनवायरनमेंट है बिकॉज ऑफ द लाइट्स एंड ऑल, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं अभी अंदर जाऊंगा, अंदर जाके शायद और भी अच्छा लगेगा। बाहर से इतना बड़ा स्टेशन बना है यहाँ पे रेलवे वाले ने, गवर्नमेंट ने, तो इट्स जस्ट टू गुड, टू गुड। और यहाँ पे बहुत सारा बंदर है जो पेड़ में बैठा हुआ है स्टेशन के सामने, खेल रहा है सब। स्मॉल मंकीज आर प्लेइंग, ब्यूटीफुल। जस्ट सी व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे एक छोटा मंदिर भी है शिव जी का। जो स्टेशन बनाया है, ये स्टेशन पूरा इंटरनेशनल लेवल का जो एयरपोर्ट होता है उस लेवल का बना हुआ है। और यहाँ पे बहुत ही हाइजीनिक दे आर मेंटेनिंग, क्योंकि ऑल टाइम साफ सुथरा हो रहा है। यहाँ का जो हाउसकीपिंग स्टाफ से, जो भी स्टाफ से, यहाँ का ऑल टाइम साफ सुथरा हो रहा है, पानी से धो रहा है स्टेशन जो भी है। और बहुत सारा यात्री जो है अभी जा रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत लगा हुआ था आज अयोध्या में। सब रामलला का दर्शन करके वापस जा रहा है अपना घर, रामलला का कृपा लेके। और हम लोग का जो ट्रेन है वो जम्मू तावी है, गोवा एक्सप्रेस, तो अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। पीछे मैं देख रहा हूँ जो स्टेशन का जो लाइट्स है, लाइटिंग जो बनाया है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट जैसा होता है, तो वैसा ही रेलवे स्टेशन यहाँ पे बना है अयोध्या में। इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस ऑफ अयोध्या धाम। हम लोग का डिनर अभी हो गया है स्टेशन का, बाहर से हम लोग खाना खा चुके हैं। वेज में लिया था, 70 रुपया लिया। और अभी स्टेशन के अंदर जा रहा है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है ये नज़ारा जो है, यहाँ का जो माहौल है बहुत ही सुंदर, अति सुंदर है, विच इज जस्ट स्पीचलेस। हम लोग का जो ट्रेन है 13152 खोआ एक्सप्रेस, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे दिया जाएगा 10:30 बजे। स्टेशन पे बहुत ही रश है, बहुत ही रश है। सब जाने के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अपना अपना ट्रेन जब आएगा सब जाएंगे रामलला का दर्शन करके। और प्लेटफॉर्म का जो अंदर है ये बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है। करीबन यहाँ पे तो 15,000-20,000 लोग तो आराम से ही घुस जाएंगे, इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म एरिया है, रेस्टिंग एरिया है। और प्लेटफॉर्म अभी पूरा तक बना नहीं। प्लेटफॉर्म अभी बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद 1 साल में या 6-7 महीना में शायद पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब और भी अच्छा लगेगा प्लेटफॉर्म को।
ईच एंड एवरी थिंग यहाँ पे है, बट सब चालू नहीं हुआ यहाँ पे, सब चालू नहीं हुआ। तो अभी हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, वेट करके यहाँ पे जब ट्रेन आएगा फिर हम लोग ट्रेन में चढ़ेंगे। हम लोग का ट्रेन आ चुका है, अभी हम लोग जाएंगे ट्रेन की तरफ। और अभी जो है हम लोग का अयोध्या का जो ट्रिप है हम लोग का आज ही समाप्त होता है, एंड वी आर गोइंग बैक टू आवर होम। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई बी बैक वेरी सून विद अनदर न्यू वीडियो। टिल नाउ गुड बाय, जय श्री राम एंड जय हिंद।